नमस्कार, मैं श्याम पटेल और आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़ और सावधान छत्तीसगढ़ आप मन हमेशा सजग सहज बनाए रखे बोलते और हमेशा बोलत रही। तो संगवारी हो, आज हम पहुंच गए हैं कौशल्या धाम, माता कौशल्या के धाम श्री रामचंद्र जी के माता जी के दरबार माँ, जेखर यहाँ मंदिर है और वो ये जो आप मन जगह देखा था ये वो लोगन मन है, वो भक्त मन है जैन मन ये मंदिर में दर्शन कर बर आए हैं। तमाम लोगन मन के झुंड आप मन देखा था जो जैन मन भक्त हैं श्री राम लला के, जो हमर श्री रामचंद्र जी हैं ओकर माता श्री के जो मंदिर है कौशल्या धाम, यहाँ दर्शन करे पर आए हैं माता जी के। और आज वैसे भी दीपावली है, अपन जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुए है अपन श्री राम जी के, वो गोखर से पूरा देश भर में उत्सव के माहौल है और उत्सव के माहौल जो चलत है तेन ला सब अपन अपन जगह में अपन गाँव शहर हर जिला हर राज्य में अपन अपन हिसाब से मनावत है। तो वैसे ये जगह में भी अपन कौशल्या धाम में लोगन मन आसपास के मन शहर के मन दूर दूर से ये जगह में कौशल्या माता के दरबार में आए हैं, धाम में आए हैं और ये जगह में ये मन दर्शन करके आवत हैं और जावत हैं। तो हमन अंदर के आप मन रूपरेखा दिखाबो, लोगन मन से बात करके दिखाबो, तो आपन लगातार खबर में बने रहो। तो संगवारी में जैसे हमन आगे बढ़त रहे और आगे जैसे ही जावत रहे तो हम लोग श्री रामचंद्र जी सीता माता जी लक्ष्मण भैया जी एवं साथ में हनुमान जी के साथ में पूरे जो तमाम भक्त मन है तेन मन उमन ला लेके आवत है और कौशल्या धाम ला घुमाए जावत है। आप देख सकते हो ये साइड में राम जी के गुणगान होते है और जम्मू जन एक सकलाए हुए हैं उमन के सब्बो जन के श्री राम के नारा लगा है, सब ज्यादा घुमावत है, रास्ता लेके जावत है। आप मन देख सकते हो ये सब चीज ला और ऐसे ही ईमान के पूरा कहा जाए तो कौशल्या धाम में मन घुमाया जाए। तो संगवारी में देख सकते हो आप मन की श्री राम जी के अतका बड़ी एक मूर्ति बनाया गया है जिन हाँ कट कट करके ओला बनाया गया है, पूर्ण करे गए है, बहुत बड़े विशाल ये मूर्ति बने हैं। आप मन देख सकते हो पत्थर के बने हैं, प्योर पत्थर के, साथ में बगल में अपन हनुमान जी भी विराजमान है। ये कौशल्या धाम है जहाँ प्रभु श्री राम के अतका बड़े देख सकता हूँ कि मूर्ति बने हैं, अतका बड़े विशाल मूर्ति बने हैं। ऐसने अब का चीज है ये धाम में कौशल्या धाम में ये चीज ला हमन आप मन ला बताबो, आप मन ला दिखाबो, आप मन लगातार बने रहो। तो जैसे ही हमन आगे बढ़ा जावत है हमला मिलत जावत है कुछ न कुछ एक और देख सकता हूँ ये साइड भी फैले हुए है, कहा जाए तो ये साइड भी ये मंदिर के चारों कोती फैले हुए है ऐसे लगते हैं। अभी कहा है कि पूरा राउंड हमन नहीं लगाए हैं, पूरा दर्शन हमन वो मंदिर तक नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे पहुंचे थन और धीरे धीरे आगे बढ़ा थन। तो आओ चलथन और आगे। तो अब हम सीधा मंदिर परिसर में आ गए हैं। मंदिर परिसर में ये देख सकते हो कौशल्या माता के जो मंदिर है, कौशल्या माता के जो मंदिर है वो ये हरे मेन मंदिर वो साइड में है, ज्योतिर्लिंग यहाँ ज्योत जलत है। ये साइड में कौशल्या माता एवं राम जी के बालपन के कहा जाए तो मूर्ति है, छोटे से बाल बन के। और ये समय आप मन देख सकते हो कि जो तालाब के बारे में बात करते रहे वो चारों तरफ से है, ये साइड भी पूरे राम भक्त मन सकला पड़े हैं। और ये और आप मन देख सकते हो कि ये साइड में कहा जाए भोलेनाथ एवं नंदी जी के बहुत बड़े मूर्ति लगे हुए हैं, मतलब और ये तमाम वो लोगन मन है वो भक्त मन है जैन मन ये दरबार में कहा जाए कौशल्या धाम में आए हैं। ये वो सबो जन है, सबो जन एक जगह में इकट्ठा हुए हैं, वो तमाम लोगन मन श्रद्धालु मन है, श्रद्धालु गण मन है। अब एमन से चर्चा परिचर्चा करते हैं लास्ट मिनट में कोनो जो आप मन यहीं से सर बताओ कि ये जो कौशल्या धाम है ये हमेशा इतना भीड़ रहते या आज राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुए है अयोध्या माँ तेकर सेती पर यहाँ इतना भीड़ हुए है? हाँ, वही जो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से इतना भीड़ हुए है जी। अब ऐसे तो हर समय रहते भीड़, शनिवार रविवार दो दिन ज़्यादा ही थे जी, तो बाकी दिन तो ऐसे छुट्टी आते रहते। अच्छा, आप मन बता सकते हो कि यहाँ ऐसा कोई मानवता है या फिर ऐसे कुछ कोई बीमारी है ककरो कुछ ऐसे इच्छा पूरा होते का, जैसे कई जगह में सोने में मिलते कि यहाँ जाए से इच्छा पूरा होते ऐसे कुछ होते? अब होते अब सियान मन बताते का, पहले सियान मन बताए है होते ऐसे करके जी। अब हो भी हो तब जो तकलीफ है ते जानी ओकर बारे में कि मोल ऐसे प्रॉब्लम भी तब हो ऐसे तो यहाँ गया तब ठीक हो गए ऐसे करके तब बोले सब। तो आओ चलो आओ आगे बढ़न, कहाँ हुआ
ये रास्ता है। कहाँ से हो आप मन? मैं हाँ रायपुर से। रायपुर से? रायपूर से यहाँ आए? हाँ। कितना दूर है रायपुर से यहाँ? कोई 30-40 किलोमीटर। 30-40 किलोमीटर। आज ही आए हैं या हमेशा आता हूँ? आज ही आए हम यहाँ, मोर भाई मन आते रहते ज्यादा। अच्छा, हमारे भक्त मन के लिए क्या कहना चाहिए? जब कुछ नहीं मात्र जय श्री राम। जोर से जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय। तमाम लोगन है वो है एक भक्त मन कैसे जी लोगन मन लजाते हैं सर माथे। अम्मा कहाँ से हो आप मन? कहाँ से हो सर? कहाँ से हो आप? मैं रायपुर इमलीडी। रायपुर इमलीडी से? अच्छा, हमेशा यहाँ आते हो या फिर आज आए? हमेशा आता, नया वर्ष में भी आता और जैसे भी हमारे मन लगते ना हमेशा आ जाते थे। तो हमेशा इतका भीड़ देखे मिलते भक्त मन के? हाँ, 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 देखे मिलते। हाँ, हाँ, हमेशा हमेशा इतने नहीं रहा है, हल्का फुल्का कम रही थे हाँ, लेकिन भीड़ तो मतलब आदमी रही थे, आदमी रही थे जरूर। अच्छा, भक्त मन रही थे, लोगन के कहना है कि भक्त मन रही थे। भैया जी कहाँ से हो आप मन? हम लोग तो रायपुर चंगोरा भाटा से आए। अच्छा, पूरा रायपुर से ही ज़्यादातर भक्त मन दिखा थे। अच्छा, क्या सोच के आए हुए जगह? बस अब ऐसा है कि माँ कौशल्या का जो भी एक विश्व मंदिर है, जो अपना श्री राम जी का मामा गांव है, वो सब चीज़ देखने के लिए आए हैं भैया। जी जी जी। अच्छा, तो हमार न्यूज़ के जरिए से अयोध्या वाले मन लगा कही है? अयोध्या वाला मतलब मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्दिक वो है शुभकामनाएँ कि बहुत ज़्यादा अपन वो लगा था मोला कि अपन आप में कि आज जो अयोध्या में जो राम श्री राम लाला के आज ओकर प्रतिष्ठा होने वाला है। प्रतिष्ठा हो चुकी है? हाँ हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा अपन आप में बहुत ज़्यादा खुशी है जो हमर मन के जो दादा पर दादा मन जो नहीं देख पा रही से वो लाज हमन वो सब चीज़ लाज हमन वो देख पावा थन। ठीक है सर, आप मन से मिल के कहाँ से हो आप मन? तो ऐसे ही ये जगह में है, दीदी मन है, भक्त मन है। कहाँ से हो दी आप लोग? हेलो दी, कहाँ से हो आप? कहाँ से आए हो? खपरी। खपरी, ये कितना दूर है यहाँ से? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। हमेशा आप लोग यहाँ आते जाते रहते हो पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ आकर कौशल्या धाम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अयोध्या वासियों के लिए क्या कहना चाहोगे? हमारे यहाँ से कौशल्या माता जी को वहाँ लेकर गए थे, अयोध्या वालों के क्या कहोगे? क्या कहें, अब यहाँ से लेकर गए तो राम सीता राम का जन्म हुआ वहाँ। चलो जय श्री राम। अच्छा, यहाँ एक दीदी बैठी है, दी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हो आप मन? मैं कचना। कचना से? कचना से। यहाँ से कितना दूरी है? यहाँ इतना पता नहीं भैया। अच्छा, पता नहीं है? नहीं पता। अच्छा, पहली बार आए हो यहाँ? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार है? हाँ। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कौशल्या धाम है, यहाँ से हमारी कौशल्या माता जी अयोध्या गए थे, राम जी को उन्होंने जन्म दिया और वो कहा जाए आज पूजनीय है, आज उनका प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। अयोध्या वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं नहीं जानती भैया, पढ़ी लिखी नहीं जो भी है अपनी इच्छा से क्या लेना चाहते हैं। कौशल्या मंदिर बहुत अच्छा लगता है भैया, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। और अपने जगह में आप दिवाली मना रहे हैं अपने गांव शहर अपने घर में? हाँ, मना रहे हैं दिवाली। मना रहे हैं दिवाली जी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हो अम्मा आप लोग? हम लोग खोपड़ी से आए हैं और कौशल्या मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमको अच्छा लगा है अपने मन को संध्या से तो जी। अयोध्या वासियों को क्या कहना चाहोगे आप लोग? उसको आशीर्वाद हम देना चाहेंगे। आशीर्वाद देना चाहोगे? और श्री राम जी का आज वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको लिए भी आशीर्वाद है, हम लोग अच्छा से देखने के लिए आया है। जी जी जी। आप क्या कहना चाहोगे? तो ये तमाम वो लोगन मर रही है, वो भक्त मर रही है, जेमन ये कहीं भक्त बन के आए हैं, सब दूर दूर से आए हैं। जम्मू सर जी सर, कहाँ से हो आप? लिंगाड़ी से। कहाँ से? लिंगाड़ी से। कितना दूर है यहाँ से? पता नहीं। मैम कहाँ से हो आप?
रायपुर से। रायपुर से हाँ। कितना दूरी है यहाँ से रायपुर? रायपुर करीब 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हो या और भी आते रहे? कई बार आ गए हैं, आज स्पेशल डे है ना, देखर पाए कि आज थोड़ा तो हमेशा इसने भक्त मन के भीड़ रही थे या फिर आजे? आज ना कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, वैसे पता है रामनवमी या फिर और कुछ भी मेला मड़े वैसे रही थे, लेकिन आज स्पेशल है, देखर पाए कि एकदम गदागद भर है। कैसे लगा था यहाँ पे दोबारा? अच्छा लगत, मस्त लगत, पूरा परिवार। अयोध्यावासी मन भर का कहना चाहता हूँ आप? अब वो मन तो बहुत खुश हो यार, कहा बोला मन भर, मतलब आज के दिन तो कुछ हाँ कुछ कह नहीं सकत ना, यहाँ इतना अच्छा फील होता, वहाँ कैसा फील होता हुई एकदम, मतलब आप मतलब ऐसे नहीं लगा था कि भांचा हमार भांचा वहाँ के अभी फिर से राजा बन के आवत है, तो उमर ले तो ज्यादा खुश हमला होना चाहिए? अब वहाँ के कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है, कंपेयर नहीं कर सकन, बाकी खुशी दोनों धार अच्छा है जी। आप मन कहाँ से हो सर? सब साथ ही में। चलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब तमाम लोगन मन है, ये कनी भी भक्त मन सकला है। सर कहाँ से हो आप मन? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हो आप मन? हम लोग हैं यहाँ पे अभी भनपुरी से। भनपुरी रायपुर? हाँ। अच्छा रायपुर से यहाँ आए हो, हमेशा आते रहते हो? हाँ। कैसा लगा था ये जगह में आकर? ये जगह तो बहुत बढ़िया लगा था जी, हम श्री राम के नैनी हाल है जी। अच्छा तो अपन भाषा के लिए क्या कहना चाहिए? भाषा के लिए एक शब्द है, बोल श्री रामचंद्र की जय। सर आप मन कहाँ से हो? हम लोग रायपुर से आए हुए हैं। सब रायपुर से हो? देख सकता हूँ पूरा जतका लोगन मन है, हमला जो भी मिला थे रायपुर से ही मिला थे। आप मन के जय श्री राम सबसे? जय श्री राम। अच्छा आप मन बताओ, पहली बार आए हो या फिर हमेशा आते? पहली बार। पहली बार। पहली बार है, कैसे लगा था ये जगह? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा आप मन बताओ, ये जो जगह है, ये जगह में आकर के आप मन बोलता हो कि बहुत अच्छा लगा था, अपन श्री राम जी के लिए क्या कहना चाहता हो अपन भांचा के लिए? बहुत बढ़िया है यहाँ मंदिर, बहुत अच्छा बना है, जय श्री राम। भारत में ऐसे ही भगवा छाए रहे जी, राम राज आए रहे जी। हाँ तो इसको हिंदुस्तान बनाना है? बनाना ही है। बनाना है पक्का? हाँ। चलो ठीक है, ये तमाम लोगन मन है, भक्त मन है, जग मन से हम गोड बात करत रहें, और हमन अभी और करबो, हमारे साथ में एक और भक्त जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। अच्छा सर आप मन बताओ कहाँ से आए हो? मैं राजीव कोती का रवैया हूँ भैया जी। अच्छा इतना दूर से आए हैं, मतलब कई किलोमीटर हो जाइए? लगभग लगभग 80 किलोमीटर लगभग हो जी भैया, राजीव कोती लेती है ये तिरिया है जी। अच्छा यहाँ पहली बार आया है और भी आ रहा? मैं एक बार यो आ रहे हूँ, कौशल्या माता के मंदिर घूमे पर आ रहे हूँ जी। कैसे लगा था तब आया रहा और अब जब आया था? वो समय आ रहे हो तब ये बने रही से, लेकिन ये समय 22 जनवरी के समय है, तो अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होते, तो ये त्यौहार से कम नहीं है, दीपावली से कम नहीं है, पूरा देश दीपावली मनाते हैं, हमू मनाबो भी है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अयोध्या वासी मन भर का कहना चाहिए अपन राम जो हमारे भाँचा हरे थे गर्भ? अयोध्या वासी मन ला तो बहुत सारा ढेर सारा बधाई हवे, जो आज एक बार ऐसे रही कि 14 वर्ष के वनवास रही से है ना, तो वो 14 वर्ष के वनवास के बाद दीपावली मनाएगी से, लेकिन ये वाला दीपावली ना 500 बरस के वनवास है भैया, 500 साल जो है लगातार संघर्ष करे के बाद जो है आज अयोध्या में श्री राम प्रभु जी के प्राण प्रतिष्ठा हो थे, ओकर बाद अब दीपावली मनाते, पूरा देश दीपावली मनाते, और वर्ल्ड में जतेक जहाँ जहाँ हिंदू मन रहते, सनातन से संबंधित जितना लोग रहते वहाँ पर दीपावली मनाए जाते, और कुछ कुछ तो अन्य विदेश वगैरह में या अन्य देश में घलो अवकाश घोषित घलो करे हुए हमें आज के उपलक्ष में। अच्छा तो अब हम यही बोलबो कि जय श्री राम बोल के एक बार आप मन हमला और आगे बढ़े देता हूँ। यही बात है भैया, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवर भगवा हर घर भगवा चाही, श्री राम राज आही, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और हमन तमाम भक्त मन से गोट बात करत रहना, आप मन देख सकता हो कि ये तमाम भक्त मन है जैन हाँ कौशल्या माता के जो धाम है वो नगरी है वो जगह में सकलाएँ हैं, और हमन अभी तमाम लोगन से बात करें, और हमन अब चाहबो कि आप मन भी ये जगह के लुप्त उठाओ, वीडियो ला लोगन तक पहुंचाओ, लोगन ला भी ये जगह के कहा जाए नज़ारा दिखाओ, और आप मन भी कभी फुर्सत में ये जगह आओ और देखाओ ये जगह के जो दरबार है तेला अपन धाम है, तेला कौशल्या माता के धाम है, अपन श्री रामचंद्र जी के माता जी के धाम जो है, ये जगह ला आप मन भी आकर देखाओ। तो फिर जाते जाते हमन आप मन से अलविदा चाहबो और यही कहबो जय श्री राम।